पटना में लड़का को खजुअट होता है, एक हक साल तक कंटिन्यू रहता है, नहीं छूटता है। देखिए वो कह रहा है छूटबो नहीं करता है जल्दी, ऐसा देखिएगा बूढ़ा आदमी का। अच्छा एक को इतना खतरनाक खांसता है जो लगता है फेफड़वा फेंक दिया बाहर, ध्यान से दिखता फेंक देना दिया भयानक हो गया। बाबा दादा को देखिए ठंडी के दिन में एक बोरसी ले ले रहता है अंगीठी आगे तापने वाला, और मैं ताकते रहता और मैं रखिया साइड में करके अच्छा इनको क्या लगता है कि हम इनसे इनके बातों को हम ध्यान देंगे? एक चीज ध्यान दे, जो आपका विरोध करे आप उसकी बातों को ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो आपको से नफरत करे वो कभी आपका नहीं होगा। समझे? दोनों चीज में थोड़ा सा अंतर होता है यहाँ पर। तो विरोध करने वाले को हम विरोध को शांत करके कुछ डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जिस इंसान को एकदम हेटरेट हो जाता है ना फिर उससे बहुत दिक्कत होता है इंसान। तो जरूरत से ज्यादा सबको तवज्जो नहीं देना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? किसको किसको सफाई दीजिएगा, आदमी है कि सर्फ एक्सल? एथलीट फुट, ये त्वचा से संबंधी बीमारी है। एथलीट फुट में क्या होता है, पैर की उंगलियों में एक्जिमा, में एक्जिमा कहीं भी ज्वाइंट पे हो सकता है। एथलीट फुट बेसिकली पैर पे ही होता है, तो पैर की उंगलियों में अगर ज्यादा भीगा रहेगा ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, कवक आ जाएगा। पानी में ना कवक घूमते रहते हैं सर, अगल में हो जाएगा यहाँ पे, और उसका खुजली होने लगेगा, उसको हल्का हल्का वाइट वाइट हो जाएगा और खुजली होने लगेगा। और जितने खुजलाएंगे वहां का चमड़ा हटेगा, कवक कहेगा बहुत अच्छा हमारे लिए और जगह बना रहा है। फिर खुजलाएंगे तो वहां का चमड़ा थोड़ा सा हटेगा, आपको मजा आएगा, कहेगा और जगह बना और जगह बना, धीरे 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 खदड़ देगा वहां पे, बहुत ज्यादा खुजली होने लगता है वहां पे। तो एक्जिमा एथलीट, एक्जिमा कहीं पे भी ज्वाइंट पे हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पे हो सकता है। एथलीट फुट कहां होता है, पैर में। ये दोनों किससे संबंधित बीमारी है, कवक। समझ आगे कि नहीं? आगे पानी में कवक रहते हैं सब, ज्यादा देर भीगे रहिएगा तो भीगेगा तो आपके त्वचा से लाइसोजाइम हट जाएगा और त्वचा हो जाएगा नरम, और वहां कवक को मिल जाएगा बैठने का जगह, धीरे धीरे बैठेगा अपना अंडा बच्चा फैला देगा, पूरा छाप देगा, आपको पता चलेगा नहीं, धीरे 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 धीरे, और उसके बाद से चमड़ा को अच्छा से पकड़ लेगा, और खदड़ के चमड़वा को, चमड़वा के नीचे बैठ जाता है, आप खजवाते रहिए ऊपर से और बैठा ले नीचे, चल जो बाबू 5 मिनट का तो तू मेहमान है, खजवा के हटिएगा, उसके फिर खदड़ना चालू करेंगे सब। समझ में आएगी नहीं? एथलीट फुट और एक्जिमा। आप देखिएगा ना, महिला लोग का पैरवा रंग दिया जाता है रेड कलर से, लाल रंग से रंग दिया जाता है, और ज्वाइंट ज्वाइंट में खूब अच्छा भर दिया जाता है, कवक पकड़ नहीं पाता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, उसको हाथ पर रंग दीजिएगा ना तो कवक पकड़ेगा, तो चमड़ा की जगह क्या पकड़ा देगा, रंग, और रंग छूट जाता है कुछ दिन में तो कवक भी छूट जाएगा। कहेगा कि यार ये तो महिला समझदार निकली, अब महिला को लगता है सुंदरता के लिए। पहले जमाने का आदमी बहुत उजिया था, पहले बहु लोगों को बहुत काम करना पड़ता था, अब नहीं, मिक्सर आ गया है, मसाला पीसने वाला, तो ये वाला वो वाला, ओके बादो फोटानी रखल है इन लोग का। औरत सब कहे तो इस टाइम हमसे काम नहीं होगा, हाँ तो तुम पढ़ाई लिखाई की नहीं हो तो नौकरी कर लो, घर का काम नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो, तो ना पढ़ने में ठीक, ना व्यवहार ठीक, ना कमे का अच्छा, नहीं हर जाएगी तो ग्रुप डी का काम कर देंगी। एक से एक रहता है सब, बाप रे बाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर हमारे बैच की लड़की ऐसा नहीं करेगी, नहीं, ये सब चीजें कभी भी याद रखिए, किसी के दिल से बद्दुआ या दांत मत पिसवाइएगा, दांत पीसना नहीं होता, कोई कोई आदमी खराब रहता है ना, मने मन आदमी दांत पीस के रह जाता है, देहात में कहावत कहा जाता है दांत का पीसा लग जाता है, कहावत कहा जाता है कि जाता का पीसा सब खा लेता है, दांत का पीसल क्यों ना खाता है, इसे कहावत कहा जाता है, उसको बड़ा खराब होता है ये सब चीजों को, ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो वो बताइए, महिला को जो रंगवा दिया जाता है उसका साइंटिफिक रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन अमूमन बहू को ही कहा जाता है, सुंदरता के लिए भी है, लेकिन उससे एक साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन बेसिकली उसे रंगना होता है सुंदरता के लिए, ना कि कवक के लिए, उसका फायदा भी है, दोनों काम हो जाता है, ठीक है? तो एक हो गया एक्जिमा और एथलीट फुट। दांत से होता है दाद, क्या होता है दाद, दिनाए सुने हैं, दिनाए दाद खजुअट ये सब एक के जैसा होता है, ये दाद गोल गोल होता है, कैसा होता है गोल गोल, गोलिया के कहेगा सब, सब लोग पहले कवक आएगा सब गोलिया जाएगा सब खूब ज्यादा, हाँ हाँ चला जाए, दावत स्टार्ट किया जाए, चलिए हैप्पी बर्थडे टू
मील के से पूरा गोलिया के खाना चालू कर देता है, जगह 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 खदर देता है सर। तो उसको देखेंगे प्रचार और चार देता है। हाँ ये सब के लिए काफी ज्यादा बातें हैं, ये सब का बड़ा लंबा इलाज करना होता है। याद रखिएगा आपको खजुअट हो जाएगा, दाग हो जाएगा, तो आपको लगेगा एक हफ्ता 10 दिन क्रीम लगा देंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं, 2 महीना। कितना महीना? 2 महीना। क्योंकि कवक बहुत खचरा होता है, एक को बच गया ना तो एक हफ्ता में अपना पूरा खानदान जिंदा कर लेगा। आप तो लगा देते हैं आराम हो जाता है, टेंशन फ्री होगा ना, उसके बाद लगाओ। पटना में लड़का को खजुअट होता है 1 साल तक कंटिन्यू रहता है, नहीं छूटता है। देखिए वो कह रहा है छूटबो नहीं करता है जल्दी। 2 महीना। कितना महीना? 2 महीना। यहाँ पर तो गोल गोल जो हो जाता है वो क्या होता है? दाद। क्या होता है? दाद। और दस दस होता है दमा। दमा क्या होता है? दमा। ये कवक अगर सांस के रास्ते, हम सांस लेते हैं तो नाक में क्या होता है? बाल। किसी किसी के नाक में बाल नहीं होता है, या फिर होता भी है तो कई लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो आप सांस जब लेते हैं तो हवा में बहुत कम ही रुकावट होता है, फटाक से वो कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। और अगर कवक गया तो फेफड़ा में, नाक से मुंह में ही कवक को मार दिया जाता है, या फिर यहाँ पे फायरिंग्स लरिंग्स तक मार दिया जाता है। लेकिन बच के अगर कहाँ चला गया? फेफड़ा में, तो फेफड़ा की दीवारों को पकड़ लिया। फेफड़ा की दीवार को क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब फेफड़ा की दीवार को पकड़ गया, फेफड़ा के अंदर पूरा बढ़िया से छाप जाएगा, अब पूरा ग्रुप बना लेंगे से वहां पे, अब वही आपको हो जाएगा दमा। खांसेंगे ऐसा देखिएगा बूढ़ा आदमी खांसे बहुत खतरनाक खांसा। अच्छा एक और को इतना खतरनाक खांसता है लगता है फेफड़वा फेंक दिया बाहर, ध्यान से दिखता, फेंक देना दिया क्या होता है? दमा। अभी आप लोग क्या है, यंग है, तो अभी आपका फेफड़ा वर्किंग में है, मारता है जैसे दमा वमा होता है तनिक को तुरंत फेंकता है, एक और कटोरा बलगम फेंक के बाहर कर देता है, समझ गया कि नहीं? तो अभी क्या करता है? फेंक देता है बाहर। अब बुढ़ापा में फेफड़ा ऊपर सब झूल जाता है, कहते हैं आप क्या करें, एक्सपायरी डेट आ गया यहाँ पे। अब आप लोग अभी यंग है तो आप लोग में उतना बीमारी भी नहीं होगी, हर चीज आप लोग का क्या अभी स्ट्रांग है, लेकिन बुढ़ापा में एकदम भयानक हो गया। बाबा दादा को देखिए ठंडी के दिन में एक बोरसी ले ले रहता है, अंगीठी आगी तापने वाला, और मैं ताकते रहता हूँ और मैं रखिया साइड में करके दादा। हाँ आप लोग के दादा करते हैं कि नहीं? हाँ अब बेचारे को उठ, अच्छा किसी के दादा 70-80 साल के हो गए तो बार बार उठ तो पाएंगे नहीं, दमा है या फेफड़ा है तो बार बार थूक बलगम आएगा। अरे हम लोग अपने दादा दादी के जो बुरसी रहता था अंगीठी, उसमें आलू नहीं डालते थे लोग दूसर में आलू डालता था आदमी आगे बढ़ जाए तो दमा किसके वजह से होता है? कवक से। किसके वजह से? आगे बढ़े, जिनके दादा दादी बचपन में, देखिए अमूमन लोगों के तो दादा दादी कितना कोई अमृत तो पी गया नहीं, लेकिन बचपना में दादा दादी का होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? बूढ़े हो चुके रहते हैं, उनका ज्यादा काम धाम बचता नहीं है, वो भी खाली बैठे रहते हैं, आई लड़कुआ है वो खाली है बैठा ले, इनका दिमाग नोचते रहेगा दादा ये दादा दादी के पास ज्यादा रह जाता। अब मम्मी पापा क्या रहता है कि आदमी बिजी रहता है कोई कामों में, तो दादा दादी का होना बहुत जरूरी है, सबको ये नहीं मिल पाते हैं। हमको तो पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा दादा ही हेल्प किए थे, बहुत ज्यादा यहाँ पे उनको हम दिमाग चाटते रहते थे हमेशा। तो ये दमा समझ में आ गया, दांत समझ में आ गया, ये सब किसके वजह से होता है? कवक द्वारा। किसके द्वारा? खा से होता है खाज। क्या होता है? खाज। खाज भी एक तरह का खजुअट है, लेकिन दांत जो होता है ना गोलिया के होता है, ऐसे ऐसे समझ में आ गया कि नहीं? आ ये खाज जो होता है ना लंबा लंबा खजुआता है, ऐसे ऐसे समझ समझ आ गया कि नहीं? देखिएगा यहाँ पे आए तो थोड़ा सा लंबा लंबा खजुआ, आइए गोल आगे बढ़े, तो खाज वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ इसका नाम खाज कैसे हो गया? नाम है तुम्हारा बकुला कैसे हो गया? खाज समझ आ गया कि नहीं आएगा?
खजुआ बकुला तुमको है तो इलाज करा दे, तो खजुआ के घीस के खत्म हो जाएगा, इतनी से तो आइए गस होता है गंजापन, गंजापन। अभी बताइए देखिए गंजापन में भी आता है क्या जी, अगर शरीर का ये त्वचा है ये, अगर इसमें बहुत ज्यादा कवक छाप जाएंगे, जब कवक छाप जाएंगे तो इनके जो जड़ है बाल की उसको ढक देंगे, तो उसमें से क्या है ना, अंदर से जो भी निकलने वाला था सीबम वो निकल नहीं पाएगा, ढक्कन को बंद कर देंगे तो धीरे धीरे जड़ बंद हो जाएगा, और जड़ बंद हो जाएगा कवक छाप जाएंगे तो धीरे धीरे उसे पोषण मिलना बंद हो जाएगा, और जब पोषण मिलना बंद हो जाएगा तो झड़ने लगेंगे। जैसे कोई पेड़ है उसके जड़ के पास सीमेंट ले आकर ढाल दीजिए तो हो गया काम खत्म, तो सूखिए जाएगा। अगर छोटा पेड़ है तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। बड़ा पेड़ रहता है तो चबूतरा डालते हैं लोग, तो थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं लोग पनिया डालने के लिए, ठीक है पूरा सीमेंट चढ़ा देते हैं तो वहाँ वही ढक देता है, तो बाल क्या होने लगता है, झड़ने लगता है, समझ में आ कि नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ से कवक वक से बचते रहना चाहिए। इसलिए देखते होंगे लोग ना कभी कभी कोई आंवला लगाता है, कोई नींबू लगाता है, कोई कुछ कुछ लगाता है, ठंडी के दिन में हो ही जाता है, हाँ बादाम लगाता है, खाए को ना बादाम मिल रहा है तुम पे। आगे बढ़े, कवक द्वारा होने वाला बीमारी समझ में आ गया कि नहीं। हेमंत लोढ़ा सर, झड़ने के बाद वापस आ सकता है कि नहीं? जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि झड़ने के बाद अगर खत्म हुआ था जड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाल अगर निकलना रुक गया तो कवक वहीं नहीं ना रुकेंगे, उस छेद छेदवा जो होता है बलवा का उसको खोद के और नीचवा घुस जाएंगे। सर किसका घर है जी, कबाड़ देगा पूरा ले जाकर जड़, तो टकला नहीं होगा। तो टकला अगर कोई इंसान हुआ एकदम स्मूथ है तो समझिए उसका जड़ गायब है, अब ना निकलते वाला, एकदम प्लेन चमकौआ टकला, तब नहीं निकल। अच्छा खुरदुरा है तब समझिएगा जड़ अभी बचा हुआ, एकदम चमकौआ हो गया तो उसका कवक ने पूरा इलाज कर दिया, अब बेचारे का कोई इलाज नहीं है, तब कोई इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है सरकारी नौकरी। समझ में आ गया कि नहीं, सरकारी नौकरी हो गया हाँ तब ठीक है, हम हर बीमारी की इलाज आपके, आप और लड़की लोगों के टेंशन का जड़ सरकारी नौकरी वाला, टकला भी रहेगा, आपका नौकरी नहीं हुआ तो खूब बढ़िया से आप बाल झाड़ते रहिएगा, वो टकला रहेगा, तैयार हो? तो क्या कहिए गुजिया के, अपने तो टकला है बाल झाड़ना नहीं है, आप सरकारी नौकरी हो गया तो हो गया, ना तो इतना अच्छा कस्बा था। समझ में आया कि नहीं आ गया? अच्छा बहुत दिक्कत होगा लड़की लोग को, इसलिए अभी समय है पढ़ लीजिए, कल पछताने से अच्छा है आज मेहनत करिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कवक समझ में आ गया कि नहीं आ गया?